इन दिनों सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कंगना रनावत को बड़ा ही ट्रोल किया था। अब आपको बता दूं कि कंगना रनावत इन सभी बातों पर उन ट्रोलर्स को लताड़ लगाती हुई नजर आई है। आखिरकार क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको बता देती हूँ। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। वह आपको बता दूं यहाँ पर कि कंगना रनावत ने कुछ दिन पहले अपनी एक फोटो शेयर करी जो कि एक बिकनी फोटो थी, और इस बिकनी फोटो के चलते कई सारा बवाल हो चुका था। क्योंकि कंगना रनावत जिस तरीके से धार्मिक चीजों में या फिर राम मंदिर के लिए हर चीज के लिए जो है वो कमेंट करती रहती है। अब ऐसे में भैया लोगों को ये बात रास नहीं आई कि खुद कंगना रनावत जो इस तरीके की धार्मिक बातें करती रहती है, भगवान के बारे में बात करती थी, वो अपना बिकनी शूट जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है। लोगों को बात रास नहीं आई, अब कंगना को रास नहीं आई, और कंगना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए ट्रोलर्स की लगा दी है क्लास। बता दूं आपको कि कंगना ने एक ट्वीट किया है, जो ये ट्वीट जो है वो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। और आखिरकार अपने ट्वीट में क्या लिखा है, चलिए आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर कंगना लिखती है, कुछ लोग मेरी बिकनी पिक्चर देखकर मुझे धर्म और सनातन का लेक्चर दे रहे हैं। सही बात है। चलिए, अगर कभी माँ भैरवी बाल खोल वस्त्रहीन खून पीने वाली छवि लेकर सामने आ जाए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी तो फट जाएगी। और खुद को भक्त कहते हो, धर्म पे चलो, उसके ठेकेदार मत बनो। जय श्री राम। पर आपको बता दूं कि ये ट्वीट जैसे ही कंगना ने किया है, उसके बाद से कई लोग जो है वो कंगना के सपोर्ट में जहां तक जवाब दे रहे हैं, वहां पर कंगना को रिप्लाई करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आप लोगों की राय क्या है? क्या आप लोग कंगना की इस बात को मानते हैं? क्या आप लोग अग्री करते हैं या नहीं? राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।